प्रदेश नेता आचार्य प्रबोध कृष्णन ने भारतीय जनता पार्टी पर लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने धर्म के नाम पर धंधा किया, राजनीति में सत्ता हासिल करने के लिए हिंदुत्व को अपनाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुत्व पर केवल बीजेपी का अधिकार नहीं है, कांग्रेस हमेशा हिंदुत्व के रास्ते पर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रही है। छत्तीसगढ़ की जनता पर हमें पूरा भरोसा है। हर वेब में छत्तीसगढ़ आगे है। भूपेश बघेल की टीम प्रदेश को बढ़ा रही है। सब तरफ लोग खुश हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पॉलिसी अच्छी है। आप सबको नमस्कार। और आज संडे है और आप लोगों को आपके घरों से एक बहुत ही ऑफर टाइम में हम खींच के लाए, इसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। मगर अगर आपसे बात ना करते तो ये चुनिया दूरी रहती, जिप भी शॉर्ट थी कि मुझे तुरंत जबलपुर जाना है। 1:30 बजे 6 घंटे लगेंगे कम से कम जबलपुर पहुंचने में। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मुझसे मिलना चाहते हैं 8 से 9 बजे, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स की बहुत बड़ी संख्या चल रही है। उसको लेके क्योंकि मुझ पर भरोसा रखते हैं वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के डॉक्टर, वो सब मुझसे मिलना चाहते हैं। मुझे पहुँचना है 9 बजे पहले, और इसीलिए मैं आपके सामने 1 बजे हम लोग आए। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ और कहता हूँ कि इस पवित्र पावन भूमि से मेरा बहुत पुराना लगाव है। आप भी जानते हैं जब ये छत्तीसगढ़ नहीं था मैं तबादला था। जब जिस दिन छत्तीसगढ़ बना उस दिन मैं था, योगी जी का जब स्वेगी थी, नया हाईकोर्ट की स्थापना थी, सब मेरे सामने हुई।